देखिए, जो बैठक में फैसला हुआ वो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट के माध्यम से आप सबके सामने रखा गया है। ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी जो कोऑर्डिनेशन समिति है उसका हमने बनाकर आज जो भी मुद्दे आज कोऑर्डिनेशन समिति के भीतर लाए गए, जिन पे चर्चा हुई, उनके जवाब दिए गए हैं। मैं आ रहा हूँ, जवाब दिए गए हैं। और मोटे मोटे तौर पे जो फैसला लिया गया है वो एक तो ये है कि जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं, वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लेंगी। दूसरा, एक पब्लिक रैली, ज्वाइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। और मुख्य तौर पर जो मुद्दे इस रैली में हाईलाइट किए जाएंगे वो रहेंगे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई। तीसरा फैसला जो लिया गया है वो ये है कि रिस्पेक्टिव मेंबर पार्टीज हैं वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को उठाएंगी। और चौथा ये लिया गया है कि कुछ ऐसे जो हमारी मीडिया सब ग्रुप से रिकमेंडेशन आई थी, कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो देश में भड़काऊ बहस कराते हैं, उनकी सूची जारी कर उनसे इंडिया अलायंस उनके शोज पे जाना बंद करेगी। नहीं देखिए, जो भी आज सदस्य मेंबर पार्टीज आज जो मौजूद थी कोऑर्डिनेशन समिति की, उन सबकी सहमति है। जो लोग आज मौजूद नहीं भी हो पाए थे कोई और व्यस्तता के कारण, उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जितने लोग इस बैठक में मौजूद थे सबकी सहमति है।